लाख रुपए मिले। मैंने उनको बोल दिया, पापा आपका बच्चा वो काम करके दिखाएगा कि आपने 40 साल में कमाए हैं, मैं हर महीने कमाया करूंगा, मैं हर महीने कमाया करूंगा। जबरदस्त, इतना जबरदस्त ये सिस्टम है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा तैयार तो करना पड़ेगा, तैयार तो करना पड़ेगा। आपको हमारा कहना मानना तो पड़ेगा अगर आप ये जीवन में इस तरह की कामें भी चाहते हो। तैयार हो? Yes. तैयार हो? Yes. कितने लोग वादा करते हैं कि कुछ फार्मूले में बताऊंगा हम करेंगे? Yes. कितने लोग कह रहे हम करेंगे? Yes. कितने लोग कह रहे बोल रहे हम करेंगे? Yes. करेंगे? Yes. Yes. तो मैं बताता हूँ, आज सबसे पहले आप जब जाएंगे घर पे तो आपने मार्केट से घर बाद में पहुंचना है। मार्केट से आपने एक पीले रंग का एक चार्ट पेपर लेके जाना है। चार्ट पेपर, जिसने ये नहीं करा ना उसको 50,000 रुपए जुर्माना लगा दूंगा मैं। अगर जरा मैं जुर्माना नहीं दोगे, अगर जुर्माना नहीं दिया, मैं अपने कामे भी की रात बता के जा रहा हूं, ये किया तो बढ़िया, फिर तो मुझे लगे हाँ ये ताकतवर बीज है, कमजोर बीज नहीं है, ये गालियां खाने वाले दादाजी नहीं है ये, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। जिसने ये सुनने के बाद भी नहीं किया उसको पाप लगेगा, जानने के बाद भी नहीं करा तो उसको पाप लगने वाला है। और मैं मेरा भूत, या तो जुर्माना दे देना फिर तो छोड़ दूंगा, अगर नहीं छोड़ा मेरा भूत आके आपके पीछा करेगा। सपने भी आपको सोने नहीं दिया करूंगा मैं कि तूने मेरी वो कामे भी करा, सुन के भी तूने अमल नहीं किया, उठ लिख पीला चार्ट लेके आ और लिख वो चीजें जो मैं लिखवा रहा था। करोगे? Yes. ये तंग होके करोगे? आराम से करोगे ना? Yes. तो पीले रंग का चार्ट लेके जाना है, चार्ट पेपर, और इस चार्ट पेपर पे ना आपने कम से कम 10 वो चीजें लिखनी है जो आप अपने जीवन में चाहते हो। 10 वो चीजें लिखनी है जो आप चाहते हो। 3 समय बोलते हैं उसको, एक बोलते हैं छोटे समय में प्राप्त करने वाली चीजें, एक होते हैं मध्य समय में प्राप्त करने वाली चीजें, एक होते हैं लंबे समय में प्राप्त करने वाली चीजें। अब लंबे समय वाली चीजें क्या हुई? लंबे समय वाली चीजें हुई कि मुझे 50 लाख का 1 करोड़ का घर बनाना है, वो आप छोटे समय में नहीं कर पाओगे। ये है आने वाले 3 वर्ष का प्लान कि आपको कोई बड़ा घर बनाना है, 50 लाख का 1 करोड़ का किसी का सपना है, वो 3 साल का उसका समय लिखो। मध्य समय में आप अपने बच्चे की शादी करना चाहते हो या कोई कार लेना चाहते हो, है ना, ये जो 2-4-5 लाख रुपए की कोई गाड़ी है आप वो लेना चाहते हो, या आपके बच्चे की शादी है, या कोई सिर पे कर्जा वो उतारना चाहते हो, ठीक है, तो ये हुआ। और छोटे समय में क्या लिखोगे? छोटी छोटी चीजें लिखोगे, कोई मोबाइल फोन लिख सकते हो, कोई मार्केट में फोन अच्छा आया आपके पास पुराने वाला है, आप सोच सकते हो कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने में अच्छा काम करूंगा और एक छोटा सा फोन लूंगा। अपनी पत्नी को कोई बढ़िया सूट दिला सकते हो, है ना, कोई 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 वाला सूट दिला सकते हो कि पैसे कमा के इस का जो पहला पे आउट आएगा उससे मैं तेरे को बढ़िया सूट दिलाऊंगा, है ना। बच्चे का कोई कहीं जाके होटल में खाना वाला खिलाने का ड्रीम ले सकते हो कि अगर कुछ पे आउट मेरा बढ़िया आ गया 1,000-2,000 का तो मैं जाऊंगा अपने परिवार को लेकर के और जाकर अपने परिवार को होटल में बढ़िया से किसी लुधियाना के होटल में खाना खिला के ले जाऊंगा, पार्टी करूंगा। ऐसे कुछ चीजें आपने छोटे समय के लिए लिखनी है। ये है 1 वर्ष के भीतर भीतर वाली चीजें, ये है 2 वर्ष के भीतर वाली चीजें, 2 साल में जो जो करनी है, और ये 3 वर्ष के बाद की चीजें, ठीक है। ये आपने लिख लेना है, लिख सकते हो? Yes. लिख सकते हो? Yes. और साथ में लिखने के बाद में एक बात और सबने लिखनी है। जब ये पीले वाले चार्ट पे सब चीजें लिख लो, पहले 1 वर्ष वाली छोटी छोटी, फिर मध्य समय वाली, फिर लंबे समय वाली, ये लिखने के बाद में एक इंपॉर्टेंट बात और लिखनी है। अगर वो नहीं लिखी तो इसका कोई फायदा नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। वो ये लिखना है कि ये अगर चीजें जो छोटे समय वाली, मध्यम समय वाली और लंबे समय वाली चीजें अगर मुझे नहीं मिली तो मेरा जीवन कितना खतरनाक होगा, मेरे जीवन में कितनी कठिनाइयां होंगी, मेरे जीवन में कितनी तकलीफें होंगी, वो जरूर लिखना। समझ मेरी बात को? Yes.
ये लिखने के बाद में एंड में आपने एक डायरी में ये जरूर लिखना है कि अगर ये मुझे नहीं मिली, ये मुझे नहीं मिली कामयाबी, तो फिर मेरा जीवन कैसा होगा? सोच के देखो जीवन कैसा होगा, कैसा होगा जीवन आपका? बढ़िया होगा। अगर ये कामयाबी नहीं मिले, ये सपने पूरे ना हो, कामयाबी आपके यहाँ से चूक जाए, आपको खुला पैसा ना आए, लाख दो लाख रुपए की इनकम आपको महीने की ना आए, तो कैसा जीवन होगा? घटिया के बढ़िया, घटिया कठिनाइयों वालों के मजे वाला। तो कठिनाइयों वाला जीवन पसंद है क्या आपको? कर्जे वाला जीवन पसंद है क्या आपको? धक्का साट जीवन पसंद है क्या आपको? लानत पड़ने वाला, लानतें पड़ती हैं जो करना चाहते कर नहीं सकते, क्या लाखों वाला जीवन पसंद है क्या आपको? घर में बीमार पड़ जाए कोई तो अच्छी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकते, छोटा डॉक्टर पूछते हैं, सरकारी अस्पताल में भागते हैं कि जेब में तो पैसा नहीं है, अगर जेब में पैसा होता तो बढ़िया हॉस्पिटल में ले जाते। अरे बहुत सारे लोगों के माँ बाप मर जाते हैं, परिवार के उनके सदस्य मर जाते हैं क्योंकि जेब में पैसा नहीं होता, जेब खाली होती है। तो ये ऐसा जीवन पसंद है क्या आपको? सफल जीवन पसंद है ना? तो फिर इस बात को लिख लेना कि अगर सफलता नहीं मिली तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा, इसलिए और मैं बेकार जीवन पसंद नहीं करता, मैं असफल होना नहीं चाहता। अपने आप को बोल देना, अपने आप को वादा कर देना कि मैं असफल होना नहीं चाहता। बोलो मेरे पीछे, मैं असफल होना नहीं चाहता। मैं असफल होना नहीं चाहता। मैं फेल का ठप्पा लगवाना नहीं चाहता। मैं फेल का ठप्पा लगवाना नहीं चाहता। अपने बच्चा का कुछ बोल जाए ना, उसको बोलते हैं तू पढ़ता नहीं, कितने माँ बाप ऐसा करते अरे बच्चे को बोलते हो, बच्चे को आंखें दिखाते हो कि निकम्मे तेरी वजह से मैं आंखें दुखानी पड़ती हैं, और जब वो परमपिता परमात्मा जो आपको बोलता है कि तू कामयाब हो सकता है, और जब हम अपने निकम्मापन दिखाते हैं जो चीजें कही जा रही वो नहीं करते, तो क्यों उसको दर्द नहीं होता होगा? उस परमपिता परमात्मा को तकलीफ नहीं होती होगी कि मैंने तुझे इंसान बनाया और मैंने तुझे तरीका सिखाने के लिए रेनेडिस की मीटिंग में भी भेज दिया, सीख किया कि कैसे कामयाब। और तो सीखना नहीं है, अगर परमात्मा कहीं आ जाए ना तो मार मार के गाल पे थप्पड़, गाल लाल कर दे कि तुझे इतना बढ़िया माहौल दिया, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, इतना अच्छा वातावरण दिया, और तू क्यों नहीं करता भाई? बच्चे को तो आगे दिखाते उसके कान खींचते हो, तो कोई नहीं थप्पड़ मारेगा। अगर कभी बहाने बनाओ ना, कभी बहाने बनाओ, कभी आपका बहाने बनाने का मन करे तो अपने आप को थप्पड़ मार लेना, अपने आप को थप्पड़ मार लेना कि मैं कहीं गलती ना करता, मैं कहीं गलती ना करता। तो ये कर सकते हो? Yes. पहला काम तो आपने पीले रंग का चार्ट लेकर के और आज WhatsApp पे इसकी फोटो खींच के ग्रुप पे सामने डालनी है। क्या करना है? WhatsApp पे फोटो खींच के सामने इसकी डालनी है। ओके, कर सकते हो? इसके बाद में दूसरा काम, पहला काम अपने सपने पीले वाले चार्ट पे लिख लेने हैं, लिखो। दूसरा काम आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट है, मैं अगले 5 मिनट में अपनी बात खत्म करने जा रहा हूँ, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। दूसरा काम आपने क्या करना है, अब आपको सीखना है इस सिस्टम को, लाखों रुपए ऐसे थोड़ा आ जाएंगे। तो आपको रोज 15 से 20 मिनट आपको कुछ किताबें बताई जाएंगी हमारे द्वारा, हेमंत जी बता देंगे। जैसे एक किताब अभी ये मेरे पास नहीं है, ये किताब तो आप सबके पास होनी चाहिए अगर आपको वाकई में सच में कामयाबी प्राप्त करनी है। ये किताब किसी साधारण इंसान की किताब नहीं है और ना ये कोई साधारण किताब है। इस किताब को लिखने वाले जो लेखक हैं, महान व्यक्ति मिस्टर दीपक बजाज हैं, और इन्होंने अपने जीवन में इस सिस्टम से, नेटवर्किंग से, डायरेक्ट सेलिंग से करोड़ों रुपए कमाए हैं, करोड़ों रुपए, और ना सिर्फ करोड़ों कमाए हैं, अपने जो ज्ञान इस किताब में उन्होंने लिख दिया उस ज्ञान से बहुत सारे हजारों लोगों को करोड़पति बना चुके हैं, अमीर बना चुके हैं, उनके जीवन के कष्ट दूर कर चुके हैं। अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो ये किताब आप सभी के पास होनी ही चाहिए। और 15 से 20 मिनट इस तरह की आपको किताब रोज डेली पढ़नी ही पढ़नी है, कोई बहाना नहीं चलेगा, रोज कर सकते हो? यस। कर सकते हो? यस। मुश्किल काम है? नो। मुश्किल काम है क्या? नो। अरे अगर करोड़पति बनने के लिए इतने आसान काम है तो अभी बच्चा भी कर सकता है, मैंने बोला था रोज आपको 15 से 20 मिनट किताब पढ़नी पढ़नी है। नंबर 3,
अब आपको क्या करना है, नंबर तीन पे आपको YouTube के ऊपर कुछ चैनल्स हैं, जैसे चैनल का नाम है, एक चैनल का नाम है सचिन अग्रवाल, एक चैनल का नाम है एस अत्री, ठीक है, ये चैनल का नाम है, या फिर सीधा YouTube पे जाएं और YouTube पे लिखें MLM ट्रेनिंग वीडियो, ऐसा लिखें और लिख करके रोज कम से कम एक वीडियो, वन वीडियो आपको रोज बिन नागा ये दवाई लेनी लेनी है। मुश्किल काम है क्या? WhatsApp पे YouTube पे कितनी सारी वीडियो पहले भी तो देखते हैं, लेकिन वो हमारे किसी काम नहीं आती हैं, वो हमारा समय व्यर्थ करती हैं। आपको अपने मतलब की वीडियो रोज कम से कम आधा घंटा, एक वीडियो रोज देखनी है, और जो भी किताब में पढ़ो, जो भी आप अपनी वीडियो देखो, उसको अपनी डायरी में लिखना है कि आज मैंने क्या सीखा। मैं आपको सुनो बता दूं कि आज मैंने, अरे जो लाखों रुपए आदमी कमाते हैं वो भी रोज ये काम करते हैं, तो हम ये काम नहीं कर सकते क्या? आज मैंने क्या सीखा, अमीरी की छह आदतें, अमीरों के छह आदतें, कि अमीर लोगों की कौन सी छह आदतें होती हैं जिसकी वजह से वो अमीर होते हैं। अपने को अमीर बनना है ना, yes. तो फिर अमीरों की आदतें पता होनी चाहिए ना, yes. अमीरों में कौन सी आदतें होती हैं? किसी भी इंसान को, कोई भी इंसान अपना भविष्य नहीं बना सकता, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई भी इंसान, माइकल लाल, कोई इंसान अपना भविष्य नहीं बना सकता, आप केवल आदतें बना सकते हो, आपका भविष्य आपकी आदतें बनाती है। आपका भविष्य कौन बनाता है? आदतें, आपकी आदतें बनाती हैं। आपको पहले आदतें बनानी पड़ेंगी, आपका भविष्य, ये आपको आदत बनानी है, रोज आपको किताब पढ़ने की आदत बनानी है, रोज आपको वीडियो देखने की आदत बनानी है, और उसको आपको डायरी में लिखना है, ठीक है, और ये आपने रोज क्या सीखा वो लिख करके अपने सीनियर को भेजना है। जैसे कोई नौकरी करता है तो अपनी रिपोर्ट भेजता है ना, आपने रोज अगर कामयाब होना है तो रोज आपने क्या सीखा वो लिख करके उसकी फोटो खींच के, अगर लिख नहीं सकते हो तो उसको रिकॉर्डिंग करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके वो अपने सीनियर को अपने भेजना है कि आज मैंने ये सीखा। कर सकते हो? yes. कर सकते हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब चौथा काम आपको क्या करना है, चौथा काम आपको करना है कि आपको रोज कम से कम दो लोगों को इस बिजनेस की जानकारी देनी है, कम से कम दो लोगों को रोज जानकारी देनी है। दे सकते हैं? yes. दो लोगों को जानकारी, यानी कि आपको हफ्ते में कम से कम चार से लेके छह लोगों को जानकारी देनी है। अगर आपको जानकारी देनी नहीं आती है तो अपने सीनियर से सीखो कि प्लान कैसे दिखाया जाता है। प्लान दिखाने की, जो सीनियर लोग हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि स्पेशल इसके लिए आप टाइम निकालो, और जो लोग नए नए लोग हैं जिनको प्लान करना नहीं आता, उनको ट्रेनिंग दो, उनको सिखाओ, ठीक है। रोज सीखने के बाद में आपने रोज दो प्लान करने करनी है। पांचवा काम जो आपने करना है, इस प्रोडक्ट का यूज करना है, इस प्रोडक्ट का यूज करना है 100%। ऐसा नहीं है कि हमने खरीद लिया अब आगे बेचना है, इस्तेमाल नहीं करना। कुछ लोग ऐसा करते हैं, खरीद लेते हैं, आगे बेच देते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप यूज नहीं करोगे तो भी आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। और छठा काम आपको ये करना है कि जिन लोगों को आपने प्लान दिखाया उन लोगों को आपने फॉलोअप भी करना है। फॉलोअप का मतलब होता है उनसे दोबारा मुलाकात करनी है और उनको बिजनेस की शुरुआत करवानी है। तो ये आपको पांच छह काम आपको रोज करने हैं। कर सकते हो? yes. कर सकते हो? yes. अगर ये पांच छह काम आप लगातार अगले 90 दिनों तक कर लोगे, 90 days, तो 90 days के अंदर आपका बिजनेस दौड़ने नहीं उड़ने लगेगा, आपके ऊपर पैसों की बारिश होने लगेगी, और कोई ऐसा हफ्ता खाली नहीं जाएगा जिस हफ्ते आपको बढ़िया से बढ़िया पे उठना है, और एक साल पूरा होते होते आप 1,00,000 रुपए के ऊपर महीने के कमाने लग पड़ोगे, मेरी गारंटी है। मैं मीटिंग अभी यहीं क्लोज करता हूं, और उसके बाद में 10-15 मिनट के लिए जो सीरियस लोग हैं, जो वाकई जीवन में सीरियस हैं कि अपने को 1,00,000 रुपए में ना कमाना ही कमाना है, वो रुकेंगे, उनसे 10 मिनट के बाद में दोबारा हम बातचीत करेंगे। तो मैं इनवाइट करता हूं हेमंत वर्मा जी।